आपको एक ऐसे स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये भी लगेगा हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। अभी आप लोग सोचोगे उस स्टोरी का नाम क्या होगा। दोस्तों उस स्टोरी का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको उस स्टोरी का नाम पता चल पाए और वो आपको इस स्टोरी कैसी लगी ये भी बता पाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था जो अपने एक छोटे से घर में तो रहता ही था, लेकिन वहाँ के सारे एरिया के लोग बोलते थे क्या उसके अंदर खजाना है, उस जमीन के अंदर खजाना है। लेकिन वो लड़का कभी बिलीव ही नहीं करता था कि उस जमीन के अंदर खजाना है, अपने घर के अंदर खजाना है। लेकिन जब वो लोग ज्यादा बोलने ही लगे तो फिर उस लड़के ने बिलीव कर लिया कि मेरे घर के जमीन के अंदर खजाना है। फिर उसको खुदाई स्टार्ट कर दी, वो बहुत ही अंदर चला गया। उसको कम से कम 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, लेकिन उसको तो खजाना मिला ही नहीं, वो बहुत ही अंदर चला गया। तो फिर उसने समझा मुझे बातें तो बिलीव ही नहीं करना चाहिए, तो झूठे बोल देते हैं, इसके अंदर तो कोई खजाना नहीं है। लेकिन फिर जब उसने किसी को अपनी वो जमीन बेच दी क्योंकि वो कोई काम की नहीं थी, तो फिर वो बोलता है तुम इतनी बड़ी और अच्छी जमीन को बेच क्यों रहे हो। फिर उसने बोला इस जमीन में मैं खुदाई कर करके ये खराबी कर देती हूँ, इसको तुम ही ले लो। लेकिन फिर जब उसको वो बात पता चली कि सारे इंडिया के लोग बोलते हैं कि एक जमीन के अंदर खजाना है, तो फिर उसने सोचा कि इसने भी तो इतनी मेहनत करी है तो मैं भी 1 मंथ का खुदाई स्टार्ट करता हूँ। फिर उसने भी 1 मंथ का खुदाई करता गया और उसको असली में खजाना मिल गया। फिर उसने उस मालिक को फोन किया जिसका वो घर है, उसने उसको बोला कि इस जमीन में से असली में खजाना निकल गया। तो फिर उसने सोचा है ये कैसे हो सकता है, इसमें ये कैसे निकल कैसे गया, मैं तो जब करे तो वो निकला ही नहीं। फिर उसने बोला क्या तुम्हें ये काम करते जाना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए तभी ये मिलता वरना नहीं मिलता। और फिर जिसको उसने जमीन बेची थी वो रातों रात ही अमीर बन गया। दोस्तों अभी तो आपको समझ ही गए होगे ये कौन सी स्टोरी है, चलो मैं भी बताता हूँ। ये है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों हाँ आपने सुना ये थिंक एंड ग्रो रिच की स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी से आपको कैसा लगा। दोस्तों अभी तो आप लोग सोचे हो गए हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा कि सबको इस स्टोरी समझ में आए और लाइक भी करके जाए क्योंकि उससे आपका सारा सपोर्ट हमको मिलता है। और सब्सक्राइब भी करें और उसके आगे एक बेल आइकन का बटन भी होगा उस पर जरूर क्लिक करें क्योंकि जैसे हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी उस पर जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।